भारत ने ये फैसला क्यों लिया? हमने आपको बताया लेटर आया था, लेकिन क्यों फैसला लिया? चलिए जल्दी से आपके सामने जानकारी रख देते हैं। कनाडा में भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। जी हाँ, आपको बताया खतरे में राजनयिकों की सुरक्षा आ गई थी, क्योंकि जब ट्रूडो ही ऐसा बोल रहे हैं तो कोई भी कुछ कर लेगा। ट्रूडो कह देंगे कि हमने तो कुछ नहीं किया, कुछ लोगों ने ऐसा एक्शन कर लिया है, उन पर थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन हम तो सुरक्षा के साथ मजाक नहीं कर सकते ना। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनयिकों और जो उच्चायुक्त हैं उन्हें वापस बुलाया गया, क्योंकि उग्रवाद और हिंसा को कनाडा का खुला समर्थन है। जी हाँ, भारत को कनाडाई सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है, और ऐसे में कठोर कदम उठा सकता है भारत, और यही वजह है कि उठाया भी है। ये अपने आप में क्लियर मैसेज है। और आपको ये भी बताएं कि ये नौबत आएगी। नौबत दरअसल इसलिए आ गई क्योंकि ट्रूडो बढ़कर बहुत सी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसको भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उच्चायुक्त पर प्रश्न, या ये कहना कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है यानी आरोपी है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? सुनिए क्या कहा है ट्रूडो ने, किस तरह के आरोप लगाए, हल्के आरोप, पहले सुनवा देते हैं। We have taken such significant measures, why the RCMP chose to come out today and disrupt the pattern of Indian diplomats collecting through questionable and illegal means information on Canadian citizens that were then fed to criminal organizations that would then take violent actions from extortion to murder against Canadians. और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ही नहीं, उनकी जो विदेश मंत्री हैं वो भी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने भी इस तरह की बातें कही। क्या उन्होंने कहा आपको बता देते हैं। विदेश मंत्री का नाम मेलानी जोली है और कह रही हैं कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस जांच का समर्थन करे, हम भारत पर सहयोग के लिए दबाव डालना जारी रखेंगे, ये कह रही हैं वो। ये कनाडा की सुरक्षा और कनाडा के बारे में है, ये जरूरी है कि भारत को संदेश मिले, ये भारत को संदेश देने की बात कर रही है। लेकिन जैसे ही भारत को समझ में आया कि ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, इनकी बातों का तो ऐसे भरोसा किया नहीं जा सकता, तो एमईए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत कड़ा रुख अख्तियार किया और क्या कहा, चलिए बताते हैं जल्दी से दीजिए। ट्रूडो की भारत विरोधी मानसिकता से दुनिया वाकिफ है, बिल्कुल क्लियर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। जयशंकर ने कहा कि ट्रूडो की कैबिनेट में चरमपंथी हैं, अलगाववादी हैं, इस तरह की तो कैबिनेट है। 2020 में ट्रूडो ने भारत के अंदरूनी मामले में दखल दी। जी हाँ, ये क्लियर किया, खालिस्तान वाला जो मामला था उसको लेकर यहाँ पे जयशंकर ने बिल्कुल इंडिकेट कर दिया। अलगाववादी के समर्थन पर ट्रिकी है ट्रूडो की सरकार, क्योंकि समर्थन की सरकार से चल रहे हैं, उनके पास क्लियर मैंडेट नहीं था, ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राजनीतिक फायदे के लिए भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, जो उनके सहयोगी है ना वो इस तरह का फायदा चाहते हैं। ट्रूडो को मजबूरी में ये करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार तो उन्हें चलानी है। राजनीतिक फायदे के लिए आतंकियों को संरक्षण दे रहे हैं ट्रूडो, ये भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। भारत ने कहा कि भारत के भगोड़े आतंकियों को ट्रूडो सरकार ने शरण दी है। कनाडाई सांसद की विदेश समिति में ट्रूडो की पेशी होनी चाहिए, ये कहा है भारत ने। पेशी से पहले ट्रूडो ने भारत पर झूठे आरोप लगाए थे और भारत विरोधी एजेंडे से खालिस्तानी समर्थन बढ़ाना चाहते हैं ट्रूडो। भारत ने ये बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है, पूरा क्लियर कट बता दिया है कि इस तरह से बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपको बताएं कि ये जो कनाडा है ना, ये आजकल खालिस्तान और उस तरह की बातें जो कर रहा है, ये पाकिस्तान की तर्ज पर चल रहा है। पाकिस्तान आतंकिस्तान जैसे करता है ना, एंटी इंडिया हर चीज करता है, कनाडा भी वैसे ही एंटी इंडिया मोटिव के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मोटिव के पीछे की कहानी क्या, रिपोर्ट के जरिए पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं, फिर इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। क्या पाकिस्तान की तरह कनाडा भी एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल है? क्या भारत सरकार पर झूठे आरोप लगाकर चुनाव जीतना चाहते हैं ट्रूडो? क्या जस्टिन ट्रूडो के बयानों के पीछे है कोई बड़ी साजिश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रूडो लगातार भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रहे हैं, लगातार झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब ट्रूडो की बेबुनियाद बयानबाजी उन पर ही भारी पड़ रही है। भारत कनाडा के बीच रिश्तों में खटास कई बार आ चुकी है, लेकिन शायद ऐसा पहली बार है जब मोदी सरकार ने कनाडा के खिलाफ इतना सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि कनाडा में ट्रूडो के बयान के बाद
पहले तो सरकार ने कनाडा के राजदूत को तलब किया और फिर कड़ा एतराज जताते हुए कनाडा हाई कमीशन और 6 राजदूतों को देश से बर्खास्त कर दिया। इस कड़े एतराज की वजह कनाडा की कच्ची कूटनीति और निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर झूठे आरोपों को माना जा रहा है। This is extraordinary. I mean, it really is an incredibly serious diplomatic crisis, and you know, we don't really see this happen much with India and its diplomatic relations, with the exception of the likes of Pakistan. So, you know, I think that we're in uncharted territory here for sure. कैनेडियाई विपक्ष भी ट्रूडो सरकार की इस गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी पर सवाल उठा रहा है, ट्रूडो को पूरी तरह से विफल बता रहा है। 9 साल उदार सरकार हमारे लोगों को सुरक्षित रखने या राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप को गंभीरता से लेने में विफल रही है। इस वजह से कनाडा इन गतिविधियों के लिए खेल का मैदान बन गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब ट्रूडो सरकार ने ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी जस्टिन ट्रूडो बिना सबूत के निज्जर की हत्या को लेकर कई आरोप लगा चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि भारत ने ही निज्जर को मरवाया है। लेकिन जब भारत ने सबूत मांगा तो कनाडा को मुंह की खानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जवाब तो कनाडा दे नहीं पाया। हमने सवाल पूछा, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको जवाब तो देना होगा, लेकिन जवाब नहीं दे पाए ट्रूडो। उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं भेजा जो भारत ने मांगा था कि अगर आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है तो भाई कम से कम प्रूफ दीजिए। प्रूफ नहीं दे पाए। उसके बाद उनकी ही पुलिस ने, कैनेडियाई पुलिस ने ही उनकी पोल खोल कर रख दी, क्योंकि पुलिस तो ये मान गई कि भारत का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। खुद कबूल कर लिया सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ट्रूडो को झूठा बता दिया। एक बार आपको सुनवा देते हैं कि पुलिस ने कहा क्या है, कैसे पोल खुल गई ट्रूडो की, ट्रूडो के दावों की। सुनिए सर। We just heard today that India is targeting, using the terminology, I'll share, the South Asian diaspora. So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada. तो सुना आपने, साफ सवाल ये था कि क्या सिख समुदाय को भारत टारगेट कर रहा है। जवाब क्या मिला कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई टारगेट, ऐसा अटैक नहीं किया गया है। यानी ट्रूडो जो कह रहे हैं उससे इतर, उससे अलग इनकी पुलिस कह रही है। तो या तो आपस में बातचीत नहीं हो पाएगी कि ऐसा एजेंडा सेट करना है। जो भी वजह रही हो, सच्चाई सामने आ गई है। और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रूडो की जो ये बयानबाजी है, इसकी वजह से जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो बहुत खुश हैं। यही तो करना चाहते थे ट्रूडो। सुनिए, वहां के पत्रकार खुद गवाही दे रहे हैं कि जो करना चाहते थे ट्रूडो वो हुआ है। सुनिए जरा। The Canadian public is done with the Trudeau government. They've not been wanted for the last few years, but he still manages to cling to power. He'll grab sort of anything he can to cling to power is sort of where we're going here. So don't expect Justin Trudeau to gracefully step aside, even if there's an internal caucus revolt and an RCMP investigation and this and this and that. This seems like a man who's willing to go down with the ship, so to speak.